दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनीबस, और इसकी स्टोरी चल रही है द तल्ला देस मैनीटर। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में हैं, आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब जिम कॉर्बेट जिस रवीन में तल्ला देस मैनीटर टाइग्रेस को ढूंढ रहे थे, और उसके दाहिने किनारे पर उन्होंने अपने साथियों को चढ़ा दिया था टाइग्रेस पर निगाह रखने के लिए, और बाएं किनारे पर जिम कॉर्बेट चल रहे थे। अब पहले 100 गज तक तो जो ट्रेल जा रहा था उसमें घुटने की ऊंचाइयों तक कटीली झाड़ियां थी। यहां पर टाइग्रेस की ट्रैकिंग थोड़ी आसान थी क्योंकि कटीली झाड़ियों की वजह से टाइग्रेस एक सीधे रास्ते पर चल रही थी, और जब ये कटीली झाड़ियां खत्म हो गई तो काफी घना इलाका था रिंगल्स का, यानी छोटे छोटे कटीले बांस के पेड़। और मुझे पूरा विश्वास था कि टाइग्रेस इन रिंगल्स के अंदर ही कहीं आराम कर रही होगी। लेकिन जब तक वो टाइग्रेस चार्ज ना करे, यानी कि जिम कॉर्बेट पर हमला ना करे, तब तक उसे ढूंढ पाना या खोज पाना असंभव था, क्योंकि इन बांस के झुरमुट के अंदर, यानी रिंगल्स के झुरमुट के अंदर बिना आवाज किए कोई बढ़ जाए ये हो नहीं सकता। और जब जिम कॉर्बेट उन रिंगल्स के झुरमुट के आधे रास्ते पर ही पहुंचे थे कि एक बार्किंग डियर यानी कि काकड़ ने बोलना शुरू कर दिया, यानी कि अलार्म कॉल करनी शुरू कर दी। यानी कि टाइग्रेस चल रही थी और वो पहाड़ी पर सीधे जाने की बजाय बाएं तरफ को जा रही थी, यानी कि खुले मैदान में टाइग्रेस जा रही थी। काकड़, जो कि जिम कॉर्बेट को देख रहा था, एक जगह पर खड़े होके बोल रहा था, वो खुद भाग नहीं रहा था। अब जिम कॉर्बेट ने अपने कदम पीछे खींचे, बाईं तरफ जाने के लिए सोचा, लेकिन वहां पर उन्हें ऐसा कोई खुला मैदान दिख नहीं रहा था जिसमें टाइग्रेस जा रही हो और जिसे कांकड़ देख रहा हो। और जिस रास्ते पर जिम कॉर्बेट बढ़ रहे थे उसमें उन्हें ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो काकड़ के नजदीक जा रहे हो। अब काकड़ ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन कलीज फीजेंट्स ने बोलना शुरू कर दिया। अब टाइग्रेस मूव तो कर रही थी, और जिम कॉर्बेट अपना सर घुमाकर टाइग्रेस की लोकेशन को पता करना चाहते थे, क्योंकि उनके एक कान से उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। जिम कॉर्बेट के अंदर यह प्रतिभा थी कि वो कोई भी जंगल की आवाज सुन लेते थे। वो आवाज कहां से आ रही है, कितनी दूर से आ रही है, किस दिशा से आ रही है, वो एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लेते थे। और ये कला थी, और जिम कॉर्बेट इस कला के धनी थे। लेकिन क्योंकि जिम कॉर्बेट को एक कान से सुनाई नहीं दे रहा था, तो आज उनकी वो कला उनके काम नहीं आ रही थी, और उन्हें बड़ा अफसोस हो रहा था कि पूरी जिंदगी अपने कानों पर भरोसा करके वो जंगल में घूमते थे, लेकिन अब वो अपने कान पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। जिम कॉर्बेट सोच रहे थे कि काश उस बंदूक की आवाज की वजह से उनके कान में चोट ना लगी होती। और बात यहीं तक नहीं है, उसी कान का ईयर ड्रम पहले भी एक गन एक्सीडेंट में इंजर्ड हो चुका था, तो यह दूसरी चोट थी जो उसी कान पर लगी थी। यानी कि वो कान भी सोच रहा था कि मैं कान हूं कि मंदिर का घंटा हूं जो बार बार मुझे बजा देते। अब जिम कॉर्बेट को फील हो रहा था कि वो हैंडीकैप हो चुके हैं, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, और उनके अंदर का आत्मविश्वास ये बोल रहा था कि चाहे कोई भी टाइगर उनके सामने आ जाए, उनके कान की इस परिस्थिति के बाद भी टाइगर को उनके ऊपर कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो जिम कॉर्बेट उन कटीली झाड़ियों के पास आ गए और टाइगर्स को खोजने की कोशिश करने लगे, सिर्फ अपनी आंखों के भरोसे पर। इस जंगल में बहुत सारे जानवर थे, और बीच बीच में जिम कॉर्बेट को सांबर, लंगूर और काकड़ की अलार्म कॉल सुनाई दे रही थी। अब कुछ बर्ड्स हवा में गोते लगा के
टाइगर्स को परेशान कर रही थी, लेकिन जिम कॉर्बेट इन आवाजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके कान में कुछ कमी है। वैसे नॉर्मल डेज होते तो जिम कॉर्बेट इन आवाजों को बड़े ही ध्यान से सुनते। अब जिम कॉर्बेट अपनी आंखों के भरोसे पर टाइग्रेस के पैरों के निशान को बड़े ही ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। कभी तो टाइग्रेस एकदम सीधी जा रही थी, कभी जिगजैग जा रही थी, यानी इस झाड़ी से उस झाड़ी छिपते छिपाते। अब पहाड़ की चोटी के नजदीक छोटी घास का एक पैच था, करीब 100 गज का। इस पैच के बाद झाड़ियों का हिस्सा था। उन झाड़ियों के बीच में एक पतली सी गली थी जो पहाड़ की चोटी की तरफ जाती थी। अब वो जब घास का पैच आया तो जिम कॉर्बेट को पैरों के निशान दिखने बंद हो गए, क्योंकि टाइग्रेस जानती थी कि उसका पीछा किया जा रहा है, काफी नजदीक से किया जा रहा है, और इसलिए वो छिपते छिपाते ही चल रही थी। अब जहां पर जिम कॉर्बेट चल रहे थे उनकी दाहिनी तरफ का जो पैच था वो ज्यादा नजदीक था अगर बाई तरफ के पैच से कंपेरिजन करें तो। जिम कॉर्बेट ने सोचा कि पहले दाई तरफ ही देख लिया जाए। अब वो दाहिनी तरफ के कवर में जिम कॉर्बेट 2-3 गज ही घुसे थे कि उन्हें एक टहनी के चटकने की आवाज आई, जैसे कि किसी भारी जानवर ने उस पर पैर रख दिया। अब जिम कॉर्बेट को यकीन था कि ये जो आवाज आई है ये बाई तरफ से आई है, तो जिम कॉर्बेट मुड़े और बाई तरफ बढ़े। अब ये दूसरी गलती थी जो जिम कॉर्बेट ने उस दिन की थी। पहली गलती तो वो थी जब उन्होंने चिल्ला के अपने आदमियों से कहा था कि केटली में पानी गर्म कर दो चाय बनाने के लिए, क्योंकि बाद में जिम कॉर्बेट के आदमियों ने बताया था जो कि पेड़ के ऊपर थे कि जब उन्होंने ओपन ग्राउंड कवर किया तो करीब करीब टाइग्रेस के गुजरने के बाद ही ये गुजरे थे, और जब ये बाई तरफ जा रहे थे तो वो टाइग्रेस जिम कॉर्बेट का इंतजार ही कर रही थी कि आओ महारथी आओ, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। अब जब ये बाई तरफ गए वहां पर भी इन्हें टाइग्रेस का नामो निशान नहीं मिला, ये वापस पलटे, पेड़ के ऊपर से जिम कॉर्बेट के आदमी सीटी बजा रहे थे जैसा कि पहले ही तय कर दिया था। अब जिम कॉर्बेट ने मुड़ के उस तरफ देखा जिस तरफ उन्हें उम्मीद थी कि उनके आदमी पेड़ पर होंगे। वो आदमी पेड़ के एकदम ऊपर चढ़ गए थे, और जब जिम कॉर्बेट ने हाथ के इशारे से बताया कि मैंने तुम लोगों को देख लिया है, तब उन्होंने हाथ का इशारा करके बताया कि ऊपर ऊपर ऊपर, फिर नीचे नीचे नीचे, यानी कि वो बताना चाह रहे थे कि टाइग्रेस पहाड़ के ऊपर चढ़ गई है और उसके बाद नीचे उतर गई है दूसरी तरफ। अब जितनी जल्दी जिम कॉर्बेट चल सकते थे उतनी जल्दी उस पतले गलियारे से वो चले, और जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा सामने एक खुला मैदान सा है। अब यहां पर जो घास थी उसे जला दिया गया था, उस घास की जो राख थी और जो कि गीली थी उस पर जिम कॉर्बेट को मिले टाइग्रेस के पग मार्क्स। अब वो पहाड़ी ढलान नीचे एक स्ट्रीम की तरफ जाती थी, वही स्ट्रीम जिसे आते वक्त जिम कॉर्बेट ने क्रॉस किया था। यहां पर टाइग्रेस ने अपनी प्यास बुझाई थी और उसके बाद आगे चली गई। अब अंधेरा हो चला था, टाइग्रेस के पीछे जाना ठीक नहीं था। जिम कॉर्बेट वापस लौटे, अपने आदमियों के पास गए और इशारे से उन्हें भी बुला लिया। अब वो बड़ी चट्टान जहां से टाइग्रेस के पैरों के निशान को जिम कॉर्बेट ने ट्रेस करना शुरू किया था, और वो स्ट्रीम जहां पर अभी उसके निशान को छोड़ के आए हैं, इनके बीच का फासला था 4 मील का, और ये 4 मील का डिस्टेंस कवर करने में जिम कॉर्बेट को लगे थे 7 घंटे। भले ही आज के दिन निराशा ही हाथ लगी हो, लेकिन दिन बड़ा ही रोमांचक था और मजेदार था। ये दिन मेरे लिए भी रोमांचक था और मेरे आदमियों के लिए भी रोमांचक था। मेरे लिए इसलिए था कि मुझे झाड़ियों में घूमना था और मेरे ऊपर टाइग्रेस घात लगा के हमला ना कर पाए इस बात से चौकन्ना भी रहना था, और मेरे गढ़वालियों के लिए इसलिए
कि वो पेड़ पे चढ़े थे, बालकनी व्यू था उनके पास, सुरक्षा पूरी थी क्योंकि टाइग्रेस हमला नहीं कर सकती थी। उन्हें टाइग्रेस भी दिख रही थी, मैं भी दिख रहा था। तो आज का दिन काफी बड़ा दिन था। सुबह सुबह सूरज के उगते ही मैं निकल गया था और जब मैं अपने कैंप वापस लौटा तो बज रहे हैं रात के 8। अब अगले दिन जब मेरे आदमी खाना खा रहे थे तो मैं उन टाइगर्स के स्किन को संभाल रहा था, उन पर राख लगा रहा था, नमक लगा रहा था, कीले ठोक रहा था जिन्हें मैंने पहले मारा था। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि टाइगर की स्किन का बहुत ही ज्यादा ख्याल करना पड़ता है, उसके हर हिस्से से मांस को हटाना पड़ता है, उसके कान, होंठ और पैड्स, इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। अब दोपहर होने तक मैं तैयार हो गया था और मेरे साथ 4 आदमी भी तैयार थे। मैंने 2 आदमियों को कैंप में छोड़ दिया कि वो जो सराव थी उसकी खाल का ख्याल करो। अब मैं उस जगह की तरफ चल पड़ा जहां पर कल मैंने टाइग्रेस के पैरों के निशानों को छोड़ा था। अब जिस घाटी से वो स्ट्रीम बहती थी एकदम फ्लैट थी और थोड़ी चौड़ी थी और वो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ जाती थी। अब जो वैली के बाएं हाथ की तरफ पहाड़ी थी वो वाली पहाड़ी थी जिस तरफ से पिछले दिन मैंने टाइग्रेस का पीछा किया, और जो मेरे दाहिनी तरफ की पहाड़ी थी उस पहाड़ी के पीछे टनकपुर की तरफ जाने वाली रोड थी। अब जब तक मैन ईटर की दहशत नहीं थी तो ये दोनों तरफ की पहाड़ियों पर तल्ला कोट के मवेशी घास चरा करते थे, इसीलिए यहां पर जानवरों के चलने के गहरे निशान थे, उनमें कई जगह पर पानी भी चलने लगता था। वैली में जगह जगह पहाड़ थे, जंगल थे और झाड़ियां थी। जिम कॉर्बेट का कहना है ये बहुत ही अच्छा जंगल था जानवर के शिकार के लिए। अगर आपको सांबर का शिकार करना हो, काकड़ का शिकार करना हो या फिर आपको शिकार करना हो भालू का, लेकिन इनमें से कौन सा रास्ता अच्छा है जिस पर कोई जाए और करे शिकार मैन ईटर टाइगर का, नहीं मालूम चल रहा था। अब क्योंकि बाईं तरफ के पहाड़ पर जो पेड़ थे उनसे बहुत अच्छा व्यू आने वाला था तो मैंने अपने आदमियों को भेज दिया उन पेड़ों पर चढ़ के टाइगर्स पर निगाह रखने के लिए। उसके बाद मैं उस जगह पर चला गया जहां पिछली शाम मैंने टाइगर्स के पैरों के निशानों को छोड़ा था। अब मैंने जब टाइगर्स को इंजर्ड किया था वो दिन था 7th, आज है 10th, और कोई भी जानवर 24 घंटे के बाद खतरनाक नहीं माना जाता जब उसे चोट लगी हो, लेकिन यह बात कोई सिद्धांत नहीं है, हर केस में हर बात अलग होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है घाव कितना लगा है, जानवर कौन है और उस जानवर के अंदर भी उसका नेचर कैसा है। अगर किसी टाइगर को हल्की चोट लगी हो तो 24 घंटे के बाद वो आगे बढ़ जाता है जबकि कोई शिकारी उसके पीछे आ रहा हो, लेकिन अगर उसी टाइगर को खतरनाक चोट लगी हो, वो दर्द में हो, तो कई दिनों तक वो क्या करेगा इस बात का कोई भरोसा नहीं। अब क्योंकि जिम कॉर्बेट को यह नहीं मालूम था कि जो उस टाइगर्स को चोट लगी है वो किस तरह की है, और पिछले दिन में टाइगर्स कई बार जिम कॉर्बेट के नजदीक थी लेकिन उसने उनके ऊपर हमला करने का नहीं सोचा था, तो जिम कॉर्बेट ने सोचा कि अब मैं ये बात अपने दिमाग से निकाल देता हूं कि वो टाइगर्स घायल है, अब केवल एक ही बात अपने दिमाग में रखूंगा कि वो आदमखोर है, और उससे भी बड़ी बात भूखी आदमखोर है क्योंकि उसने तब से कुछ नहीं खाया है जब से उसने वो महिला मारी थी। अब जहां पर टाइगर्स ने उस स्ट्रीम को क्रॉस किया था वहां पर एक वाटर चैनल थी 3 फीट चौड़ी 2 फीट गहरी, लेकिन इस चैनल को बरसात के पानी ने बहा दिया था और इसके ऊपर झाड़ियां लगी थी जो कि अभी भी पहरेदारी कर रही थी वाटर चैनल की। टाइगर्स भी इन झाड़ियों की तरफ गई थी। वहां जाने पर जिम कॉर्बेट ने देखा मवेशियों के जाने का एक रास्ता है। अब जो मवेशियों के जाने का रास्ता था उसमें टाइगर्स
दाहिनी तरफ गई थी। अब यहां पर एक पेड़ था जिसके नीचे बहुत सारे पत्ते पड़े थे। टाइग्रेस ने अपनी रात यहीं पर गुजारी थी। लगता है उसके घाव ने उसे बहुत परेशान किया था। उसने बहुत सारे पत्ते उछाले थे, लेकिन वहां पर ना कोई खून के निशान थे और ना ही किसी मवाद के निशान थे। यहां से जब जिम कॉर्बेट उस टाइग्रेस का पीछा कर रहे थे, पूरी सावधानी बरत रहे थे, ध्यान रख रहे थे कहीं से घात लगाकर हमला ना हो जाए। शाम होते होते जिम कॉर्बेट ने बहुत सारी जगह तक उस टाइग्रेस को खोजा था। वाटर चैनल में, घने जंगल में, झाड़ियों के अंदर, लेकिन उसकी पूंछ का किनारा भी उन्हें दिखा नहीं था। उसके बाद जिम कॉर्बेट ने लौटने का फैसला किया, अपने आदमियों के पास लौटे। आदमियों ने जब उन्हें ज्वाइन कर लिया तो उन्हें बताया कि पेड़ के ऊपर से टाइग्रेस की मूवमेंट तो उन्हें समझ में आ रही थी, जानवरों की अलार्म कॉल से, बर्ड्स की अलार्म कॉल से, लेकिन टाइग्रेस उन्हें भी नहीं दिखी। जब आप आदमखोर टाइगर का शिकार करने जा रहे हो जो कि घायल ना हो, तो आपको सबसे बड़ा खतरा होता है हवा की दिशा से, क्योंकि टाइगर हवा की उल्टी दिशा से आपके पीछे से हमला करता है। थोड़ी बहुत संभावना होती है कि आपके अगल या बगल से भी हमला कर दे। अगर हवा आपके पीछे की तरफ से आ रही होगी तो संभावना है कि आपके ऊपर जो हमला होगा वो पीछे से नहीं होगा, आगे से भी नहीं होगा, दाएं या बाएं से होगा। अगर हवा दाईं तरफ से आ रही है तो आपको जो खतरा है वो बाईं तरफ से है या फिर पीछे से है, दाईं तरफ और सामने से नहीं। अगर हवा लेफ्ट साइड से आ रही है तो खतरा दाईं तरफ से है या फिर पीछे से है। लेकिन इन किसी भी परिस्थिति में आपको सामने से खतरा नहीं है। टाइगर चाहे घायल हो चाहे ना घायल हो, हेड ऑन अटैक यानी कि सामने से अटैक नहीं करता है, अगर वो मैन ईटर है तो। नॉर्मल कंडीशंस में आदमखोर टाइगर अपने हमले का दायरा उतना ही रखता है जितनी वो छलांग मार सके, लेकिन जो घायल टाइगर है वो छलांग मारने की बजाय थोड़ा दौड़ के भी हमला कर सकता है। ये थोड़ी दूरी 10 या 20 गज की भी हो सकती है। कभी कभी तो घायल टाइगर 100 गज की दूरी से दौड़ के भी हमला कर देगा। यानी कि वो आदमखोर जो कि घायल नहीं है कुछ सेकंड का मौका देता है, लेकिन जो टाइगर घायल है वो आपको इतना मौका तो दे देता है कि आप अपनी राइफल उठा सको। लेकिन अगर आप टाइगर के शिकार पर गए हैं तो आपको तुरंत तैयार होके अपने दिमाग, अपनी मसल्स को संयमित रखते हुए तुरंत गोली चलाना आना चाहिए। निशाना भी सटीक होना चाहिए। जिस टाइगर्स का पीछा जिम कॉर्बेट कर रहे थे उन्हें मालूम था कि उनके ऊपर छलांग नहीं लगाएगी, उसे चोट लगी है, तो ये झाड़ियों से दूरी बना के चल रहे थे और इन्हें मालूम था कि ये सुरक्षित है। अब 11 अप्रैल को जिम कॉर्बेट ने टाइग्रेस के पैरों के निशान देखना उसी जगह से शुरू किया जहां 10 अप्रैल की शाम को उन्होंने निशान छोड़े थे। रास्ते में कोई चट्टान आती थी, कोई बड़ी झाड़ी आती थी, तो जिम कॉर्बेट पूरी तरीके से तैयार रहते थे इस उम्मीद में कि इसके पीछे उनका आमना सामना हो जाएगा टाइग्रेस से। अब पिछली शाम को जब टाइग्रेस बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो बढ़ रही है टनकपुर रोड की तरफ। अब जिम कॉर्बेट को फिर वो निशान मिले जहां पर उस टाइग्रेस ने रात गुजारी थी। इस बार रात गुजारी थी सूखी घास पर। अब जिम कॉर्बेट सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते रहे। टाइग्रेस वाटर चैनल के नजदीक चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो दिशाहीन नहीं बढ़ रही है, उसके दिमाग में कुछ है, वो कहीं जाना चाहती है, कुछ खाना चाहती है। इन वाटर चैनल्स में उसे एक कम उम्र का काकड़ मिल गया था। ये हिरण सो रहा था रेत में। उसे मालूम ही नहीं चला कि टाइग्रेस ने कब उसे मारा, कब उसे खाया। टाइग्रेस ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खा गई। अगर वहां पर कुछ बचा था तो उस छोटे हिरण के छोटे छोटे खुर। अब मैं उस टाइग्रेस से 1 या 2 मिनट की दूरी पर था और मुझे मालूम था कि ये भोजन का जो छोटा सा टुकड़ा या कौर उस टाइग्रेस को मिला है
ये और कुछ नहीं करेगा, उसकी भूख को बढ़ा देगा। अब मैंने अपनी सावधानी को दोगुना कर दिया। हर मोड़ पर, हर चट्टान के पास, हर झाड़ी के पास मैं पूरी तरह से सावधान था। अगर मेरी कंडीशन नॉर्मल होती तो मैं तेजी के साथ उसके पैरों के निशान के पास बढ़ता और उसे पकड़ लेता, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं था। मेरे चेहरे की सूजन इतनी बढ़ गई थी कि मैं अपने चेहरे को दाएं बाएं भी नहीं घुमा पा रहा था और ऊपर नीचे भी नहीं घुमा पा रहा। बाएं कान में सूजन की वजह से मेरी बाई आंख भी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। ये तो भगवान का शुक्र है कि मेरी दाई आंख खुली थी और उससे मैं अच्छे से देख पा रहा था और अपने दाएं कान से सुन भी पा रहा था। अब पूरा दिन मैं टाइग्रेस का पीछा करता रहा, बिना उसे देखे, बिना उसे सुने। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि टाइग्रेस ने मुझे जरूर देख लिया होगा। उस इलाके का जो ग्राउंड था, जो धरातल था, उसे जिम कॉर्बेट जानते नहीं थे। ये बात टाइग्रेस को ढूंढने में आड़े आ रही थी, क्योंकि अगर उस धरातल को जिम कॉर्बेट जानते होते तो उन्हें मालूम होता आगे कौन सी झाड़ी आने वाली है, कौन सी चट्टान आने वाली है, कहां पर टाइग्रेस छिपी हो सकती थी। अब जब आज भी टाइग्रेस नहीं मिली और जिम कॉर्बेट ने डिसाइड किया कि वो कैंप की तरफ वापस लौटेंगे, तो उस वक्त टाइग्रेस का जो डायरेक्शन था वो जा रहा था गांव की तरफ। अब कैंप पहुंचने के बाद जिम कॉर्बेट को एहसास हुआ कि उनका बुरा वक्त आने वाला है, खूंखार वक्त आने वाला है, और वो जो फोड़ा उनके कान के अंदर है फटने वाला है। अब उनको ऐसा लग रहा था कि उनके कान के अंदर बिजली के झटके लग रहे हैं, सिर पर कोई हथौड़े मार रहा है। अब बिना रातों को सोए और सिर्फ चाय पीकर जिम कॉर्बेट दिन गुजार रहे थे, और उन्होंने सोचा कि मैं बेड पर बैठ के सो तो पाऊंगा नहीं, और जो होना है हो जाए, मैं इस तरह से कैंप में बैठ के अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता। जिम कॉर्बेट तल्लादेश इसीलिए आए थे कि वो यहाँ के लोगों को इस खूंखार टाइगर से मुक्ति दिला दें। उनका जो जीवन दहशत से भरा हुआ है, उस दहशत से भी उन्हें छुटकारा दिला दे। अब क्योंकि टाइग्रेस अपना नॉर्मल शिकार नहीं कर पा रही है, तो 8 सालों के अंदर उसने 150 लोगों को मार दिया है। अब क्योंकि टाइग्रेस और ज्यादा घायल है, तो वो और ज्यादा खतरनाक बन जाएगी यहाँ के लोगों के लिए। तो अब उस टाइग्रेस से आर या पार की लड़ाई लड़नी होगी, उससे अपना हिसाब भी चुकता करना हो। मैंने चाय के लिए आवाज लगाई। चाय पहाड़ी तरीके से बनाई गई थी, दूध डाल के, वही था मेरा डिनर। उस चाय को मैंने पिया चांदनी रात में खड़े हुए आसमान की तरफ देखते हुए, और उसके बाद मैंने अपने 8ों आदमियों को अपने पास बुलाया और मैंने उनसे कहा, कल शाम तक मेरा यहीं पर इंतजार करना, और अगर मैं शाम तक ना लौटूं तो मेरा सामान पैक कर देना, अगले दिन सुबह सुबह नैनीताल के लिए निकल जाना। और ये कहने के बाद मेरी राइफल, जो कि कैंप के अंदर रखी थी, उसे मैंने उठाया और चल पड़ा वैली की तरफ। मेरे आदमी, जो कि बहुत सालों से मेरे साथ काम कर रहे थे, चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने मुझसे एक शब्द नहीं पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। आगे जाके मैंने मुड़ के अपने आदमियों की तरफ देखा, कोई भी आदमी वहां से हिला नहीं था। एक ग्रुप बना के वो मुझे ही देखे जा रहे थे। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कवर करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।